नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित भाषण दिया है। कैराना से सांसद इकरा हसन को पोस्टर गर्ल बताया और कहा सपा ने इकरा हसन को पोस्टर गर्ल बना दिया है। शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिमों को मंदिर में जाने से भी मना किया और कहा मस्जिद को मानने वाले मंदिर में न जाएं, हमें उससे ऐतराज है, अपने दीन को बचाना है तो सपा से दूरी बनाएं। पहले हम आपको एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के विवादित भाषण को सुनाते हैं। आप लोगों की छुट्टी कैंसिल, 13 तारीख तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम चाहने वालों, तमाम कार्यकर्ता, आपकी सारी छुट्टी कैंसिल। आज से आपका वन टाइम प्रोग्राम 24 घंटा 7 दिन आपको एक काम करना है, इस पतंग को एक एक घर पहुंचाना है। पतंग 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 करेंगे ना, इंशाल्लाह करेंगे ना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तकरीर तो बहुत है, अभी तो समाजवादी का नंबर ही नहीं आया। बैंक है, मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आजकल पोस्टर पर एक नई पोस्टल गर्ल्स बना करके समाजवादी के लोग हमारी एक बहन इकरा हसन को घुमा रहे हैं, उसको पोस्टर गर्ल बना दिया। और वो बच्ची बेचारी अभी उम्र ही क्या है, अल्लाह उसको हिदायत दे, जैसे ही एमपी बनती है वैसे ही बेचारी मंदिर में चली गई। तो हम यहां मस्जिदों में ले जाने की बात करते, मंदिर के मानने वाले मंदिरों में जाए, हम उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन मस्जिद को मानने वाला मंदिरों में ना जाए, हमें इससे एतराज है, क्योंकि वो मुर्तद हो जाता है। कानपुर के अंदर शीशामऊ विधानसभा, इरफान सोलंकी, हाजी इरफान सोलंकी, क्या अलहाजी इरफान सोलंकी साहब, 4 बार के एमएलए, वो बेचारे भी ऐसे ही करते थे, जब उनका टिकट होता था तो जाकर के जलाभिषेक करते थे, शंकर के लिंग की पूजा करते थे। उनकी बीवी, उनको क्या हुआ, जेल हो गई, 7 साल की सजा हो गई, सीट खाली हो गई। अल्लाह जिसको चाहता है जहां जैसे जाएगा जलील कर देगा, सीट खाली। उनकी बीवी नसीम बानो, नसीम सोलंकी, पार्टी ने, समाजवादी ने उनको टिकट दे दिया। अब उनको टिकट दिया तो वो बेचारी पहले तो हिजाब में, नकाब में थी, जैसा ही टिकट मिला हिजाब भी उतारा, नकाब भी उतारा, और सबसे पहले जाकर के उसने मंदिरों में पूजा कर लिया। रजा एकेडमी ने फतवा जारी कर दिया कि जल्दी से कलमा पढ़ ले। तो अगर आपको अपने दीन को भी बचाना है तो आप समाजवादी पार्टी से दूरी बना करके रखें, यह ऐसे ही मुसलमान चाहते हैं। और बीजेपी वालों से भी होशियार रही है, आजकल बीजेपी में भी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले दिखाई दे रहे हैं, ये कौन लोग है समझा करिए। एक आदमी था बेचारा, एक उसमें मत ये मिसाल दे रहा हूं, एक आदमी था बेचारा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाया, कमा के पूरे गांव के लोगों की दावत दिया, सब लोग आए, दावत खा करके चले गए, देखा एक आदमी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला ऊपर छत पे खड़ा होकर के रो रहा है। बोला भाई तू कौन है, क्यों रो रहा है? बोले मैं वो इबलीस हूं जिसने तुझे 2 नंबर का धंधा करवाया, जिसने तुझसे चरस बिछवाया, जिसने तुझसे गांजा बिछवाया, तुझे मैंने यहां तक लाके खड़ा किया, और तू जब बड़ा आदमी बन गया तो यहां पे लिखा है हाजा मिन फजल रब्बी,
और सबकी दावत दे करके सबको दावत भी आ रहा है, मैंने तुझे आगे बढ़ाया है, तो दाढ़ी इबलीस को भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान है। बीजेपी में काम करने वाला मुसलमान जो हरकतें करता है और जिस तरीके से हमें और हमारे कायदीन को टारगेट करता है, वो मुसलमान नहीं है, वो वही इबलीस है जो हर दो नंबर का काम करता है और चोला बना करके अपने आप को मुसलमान कहता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, किसी के वोट की जरूरत नहीं अगर आपने मुत्तहदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट दिया तो इंशाअल्लाह वो जीत करके विधानसभा में जाएंगे। ये इलेक्शन कोई सरकार बनाने का नहीं है, कोई सरकार गिराने का नहीं है। ये इलेक्शन 2.5 साल का इलेक्शन, 75 साल दूसरों को आपने मौका दिया, एक मर्तबा आप हमें मौका दीजिए, देंगे इंशाअल्लाह। आने वाली 13 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाइए। जनाब अरशद राणा साहब आपके दरमियान में है और आपके दरमियान में रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आज इस मंच से आजम फारूकी और रमीज माविया और फैज को और उसके तमाम साथियों को जो जेल गए थे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अदा किया। पता नहीं वो मौका हमें कब मिलेगा कि हम भी अपने आका की मोहब्बत में जेल की सलाखों में या पुलिस की गोलियां खाएंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमें जेल से डर नहीं। हमने पहले कहा ना कि हम अपने आका के लिए अपना जान माल सब कुछ अपनी औलाद कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा अजीज अगर कोई है तो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस दुनिया में आए तो लोगों ने लड़कियों का हक देना शुरू किया, तो इस दुनिया में आए तो लोगों ने नाप तोड़ में बराबरी की, तो इस दुनिया में आए तो लोगों को सदाकत बताई। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली यूपी के मुजफ्फरनगर की मीरापुर उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे। पार्टी के प्रत्याशी अरशद राणा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह विवादित भाषण दिया। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की ओर से कोई पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इकरा हसन पर दिए गए बयान को लेकर राजनीति गरमा सकती है। वैसे भी AIMIM को भाजपा की बी टीम कहा जाता है। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।